नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्यू दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना चार्ज देना है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू ई, एन क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई, क्यू की वैल्यू 1/7 इंटू 10^-17 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10^-19, तो 19 को ऊपर ले जाओ ये हो गया 100 अपॉन 7 इंटू 1.6, अब ये हो गया 100 अपॉन 11.2, तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 आना चाहिए, ठीक है ना, 11.99, तो ये करीब करीब 9 आ रहा, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, ठीक 8.93 इलेक्ट्रॉन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें दोनों में से कुछ भी आंसर, ये तो आंसर देने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो हम इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 11.99 तो एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हो पा रहा यहाँ पर, और एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हो पा रहा तो हम इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो असल में यहां पे बी और डी दोनों में से कुछ भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, 11.99 और 9^2 18, तो 100.8 हो जाएगा ये अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो, जबकि ऊपर 100 ही है, ठीक, तो ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनर कौन है और वो क्या आंसर देना चाहता है, इस क्वेश्चन में दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, ठीक, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वैसे अगर मैं इसमें जो है बी को ज्यादा पसंद करूंगा, लेकिन डी भी ठीक है, कुछ भी दे सकते हो यार, तो देख लेना क्या आंसर दिया हुआ है, कुछ नहीं कह सकते इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, मतलब लास्ट क्वेश्चन में अगर ये एग्जैक्ट इंटीजर आ जाता तो वो आंसर होता, एग्जैक्ट इंटीजर ही आना चाहिए था कायदे से, ठीक है, एग्जैक्ट इंटीजर नहीं आ रहा लेकिन काफी कम आ रहा, मतलब जो नियरली इंटीजर आ रहा है, तो दोनों में से आप कुछ भी आंसर दे सकते हो।